कि अब इस उलझन में न रहिएगा कि दुनिया को कैसे संभालें और आखिरत को कैसे संभालें। एक काम कर लीजिए, बस दो काम नहीं हो पाएगा ना एक वक्त में, एक काम कर लीजिए, दुनिया संभाल लीजिए, ठीक है, दुनिया संभाल लीजिए, आखिरत कहीं नहीं गई। दुनिया संभालने का तरीका क्या है? आखिरत का सौदा कीजिए, दुनिया तो घलवे में मिल जाएगी। असल सौदा आखिरत का कीजिए। क्यों? अच्छा, मैंने ऐसा कोई नहीं देखा सफीह, बेवकूफ, अहमक, नादान, जो घर में जो चीज रखी हो उसी को खरीदने जा रहा हो। कभी देखा है? मालूम है घर में जो चीज है, बाहर जा रहे हैं क्या, वो सौदा करने, खरीदने, क्या खरीदने, वो जो चीज घर में मौजूद है उसी को खरीदने जा रहे हैं। कोई करता है ये काम? ये मिसाल मैंने इसलिए दी कि दुनिया के ऊपर आप मरे मिटे जा रहे हैं, दुनिया तो आपको अल्लाह ने दे ही दी है, अब जुस्तजू उस चीज की होनी चाहिए जो नहीं अता की है। इसीलिए ये याद रखिए कि दार आखिरत का सौदा कीजिए, दार आखिरत का सौदा कीजिएगा तो दुनिया खुद ब खुद आपके कदमों में रहेगी, और दुनिया का सौदा कीजिएगा तो सौदा हमेशा घाटे का होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, घाटे का सौदा रहेगा, कोई इससे मुस्तस्ना नहीं हो सकता।